साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली, आप जुड़े हो मेरे इस चैनल से। साथियों ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको मैं सिटी कोतवाली की, जहां पर बुद्धा इस्पा सेंटर पर DYSP आनंद सिंह राजपुरोहित और शहर कोतवाल उगमराज सोनिक द्वारा की गई कार्रवाई के बाद इस बुद्धा इस्पा में 4 युवतियाँ और 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कोतवाली थाने लेकर आए हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ पुलिस थाना कोतवाली की, और देखें पूरी तस्वीरें और क्या कहते हैं DYSP आनंद सिंह राजपुरोहित। पूरा वीडियो देखकर साथियों इस खबर को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों, मैं हूं कालू माली, आप जुड़े हो मेरे इस चैनल से। साथियों अभी आपको मैं पुलिस थाना कोतवाली ले आया हूं, यहां से कुछ लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा आपको मैं। बाड़मेर में एक स्पा सेंटर पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, तो यहां की तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं। देख लो, 4 युवतियाँ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है पुलिस, सिटी कोतवाली पुलिस ने। बिजोड़ा मिलो दूसरे वाले को, बैठ जा भैया, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, ये 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 बैठ जा, थोड़ा लगा, बैठ जा नीचे, बैठ जा बस। रोरे कौन है जी? स्टाफ का भी ले लगे, चलो एक एक सेकंड सर, स्टाफ का स्टाफ ले लगा, अलग अलग एक लग गई। खड़े रहो, खड़े रहो, चलो जल्दी से जल्दी शेयर कर लो साथियों। ये आपको मैंने लाइव तस्वीरें दिखाई है, इस्पा सेंटर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 युवतियों और 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जहां पर इन्हें अभी पुलिस ने DYSP आनंद सिंह राजपुरोहित ने तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए लाइव के साथ। ये आपको मैंने लाइव तस्वीरें दिखाई है साथियों पुलिस थाना कोतवाली से। एक बार शेयर कर लो साथियों फटाफट इस पोस्ट को। फिर मिलते हैं नए लाइव के साथ, क्योंकि साथियों 3 मिनट तक मैं आपको दिखा पाया। धन्यवाद। एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर कर दो साथियों। फिर इस लाइव को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। करीबन 750 मित्र अभी मुझे लाइव देख रहे हैं, तो एक बार शेयर कर लो साथियों प्लीज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब लगातार साथियों कार्रवाई चलती रहेगी पुलिस की, लगातार बाड़मेर शहर के अंदर उत्तरलाई से शुरू होने के बाद बाड़मेर शहर में करीबन 11 इस्पा है। धीरे धीरे बाड़मेर पुलिस कार्रवाई करते हुए 11 इस्पा पर कार्रवाई करेगी। आज बताया है DYSP आनंद सिंह राजपुरोहित ने, धीरे धीरे सभी इस्पा पर कार्रवाई होगी। ये हमारे प्रेमदान जी भी जुड़े हुए हैं यहाँ। प्रेमदान जी कुछ इस्पा के बारे में बताओगे? थैंक यू, मैं कुछ नहीं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत। एक बार लाइक शेयर करो। बाड़मेर में
सिडनी चौराहे और चौटन चौराहे के बीच में एक नेशनल हाईवे पे एक स्पा बुद्धा डिलक्स स्पा के नाम से चलता है। इस तरह की शिकायत थी कि यहाँ देह व्यापार और इमोरल ट्रैफिक का काम होता है, जिस पर सूचना की तस्दीक की और पता किया, जिस पर हमने रेड दी तो वहाँ इस तरह का व्यापार करती हुई चार लड़कियाँ युवतियाँ तथा एक मालिक और एक लड़का ग्राहक के रूप में हमने गिरफ्तार किया है और कार्रवाई चल रही है। युवतियाँ उसमें से दो पश्चिम बंगाल की है, एक दिल्ली की है और एक यूपी की है। हाँ, बाढ़ में जैसे छोटे कस्बे में इस्पा की आड़ में जो देह गमन और वैश्यवृत्ति का कार्य हो रहा है ये अधिक तेजी से बढ़ा है, तो इसमें हमें सूचना मिलते ही कुछ दिन पहले कार्रवाई की थी, अभी वापस कार्रवाई की और इस तरह की सूचना मिलती तुरंत कार्रवाई की जा रही है। आम जनता आम जनता के लिए यही अपील है कि इस तरह का एडिक्ट जो लोग युवा वर्ग में आ रहा है और यहाँ बाढ़ में जैसे छोटे से कस्बे में जिस समय युवा इस रूप में पांव फिसल जाता है जो कि गलत है, तो सारे गार्जियन इस रूप में समझावे कि ऐसा कोई कार्य नहीं करें। हाँ, निश्चित रूप से गलत है और एरिया के हिसाब से छोटा सा है बाड़मेर और उसमें इस तरह की गतिविधियां हो रही है तो गलत है।